तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो कि बेसिकली इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल है थ्रोन विद वेलोसिटी वी मेक्स एंगल थीटा विद हॉरिजेंटल, ठीक ना। वी वेलोसिटी से फेंका गया है, दिस इज द वेलोसिटी वी, और वो एंगल थीटा डिग्री पर प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर अपने पास दो हाइट है और यहाँ से कुछ यहाँ पर एक सेम हॉरिजेंटल डिस्टेंस पे एक पोल है, दिस इज द बिल्डिंग या पोल वट एवर यू से, एक यहाँ पर है और एक दूसरी वाली वो यहाँ पर है, दिस इज द सेकेंड बिल्डिंग या पोल एग्जिस्ट हियर एंड द हाइट इज सेम। तो ये एच हाइट का है और ये भी एच हाइट का। तो ये कहा जा रहा है कि इसको जो प्रोजेक्टाइल है उसको यहाँ ओ से ए तक जाने में जो टाइम लगा है वो कितना लगा है, ए से ए तक टाइम जो है वो 1 सेकेंड लगा है, ठीक ना। और फिर ओ से यहाँ है ओ टू ए, फिर ओ से ये जो पॉइंट बी है ओ टू बी जो टाइम लगा है वो कितना लगा है, 3 सेकेंड, ठीक ना। तो 3 सेकेंड लगा है इसको यहाँ से यहाँ तक जाने के, 1 सेकेंड लगा है और यहाँ से यहाँ तक जाने का बेसिकली 3 सेकेंड लगा। बात समझ में आया? तब ऐसे पैराबोलिक पाथ में नहीं सोचो, ऐसे वर्टिकल मोशन के बारे में सोचो कि अगर एक बॉल फेंका जाता है, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे वी कॉस थीटा और यह जाएगा वी साइन थीटा। तो वी साइन थीटा से ऊपर जा रहा होगा, वी कॉस थीटा से आगे जा रहा होगा, ठीक है। तो अगर एक बॉल ऊपर फेंका जाता है और यच हाइट तक जाने में उसको टाइम टी लगता है, तो उसको आने में भी टाइम टी ही लगेगा। अगर जाने में 4 सेकेंड लगता है चलो मान लो, तो आने में भी 4 सेकेंड लगेगा। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट वर्टिकल में बराबर होता है और हॉरिजेंट, ठीक है। तो ये वाली चीज़, तो अब यहाँ से देखोगे, यहाँ से इसको वर्टिकल में एक बॉल को ऊपर जाने में टाइम 1 सेकेंड लगा है, ठीक है। तो इसको नीचे आने में भी 1 सेकेंड लगेगा भाई। तो ये बी बी पॉइंट पर अगर ये वाला पाथ देखो, मैं पाथ बना रहा हूँ, ये आप पैराबोलिक के बारे में जाके सोचो कि यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 सेकेंड लगा है, तो यहाँ से नीचे आने में भी 1 सेकेंड लगा होगा, क्योंकि वर्टिकल में देखोगे तो यहाँ से नीचे आया है, ठीक है ना। पैराबोलिक पाथ मतलब वर्टिकल में नीचे भी तो आया है, टू डायमेंशनल मोशन है ना। तो यहाँ से आगे जाने में 1 सेकेंड लगा है, तो यहाँ से तुम देखोगे यहाँ आगे जाने में 1 सेकेंड लगा होगा, ये भी 1 सेकेंड लगा होगा, ये भी 1 सेकेंड लगा होगा, ये वाली चीज़। तो अब हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो ऑब्वियसली यहाँ से देखो ये वाला इसमें यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा होगा, इस पैराबोलिक पाथ में मतलब इस पैराबोलिक पाथ में जाने में 2 सेकेंड लगा होगा, क्योंकि टोटल 3 सेकेंड था। तो यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड लगा, यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड लगा, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड लगा, और ठीक है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है 1 + 2 + 1, दैट इज यहाँ से 4 सेकेंड हो जाएगा अपना। तो अपना सी ऑप्शन सही है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तीनों टाइम, हॉरिजेंटल डिस्टेंस, वर्टिकल हॉरिजेंटल में जाने में, वर्टिकल में जाने में और पैराबोलिक पाथ में जाने में, तीनों टाइम सोचो, तीनों टाइम किसी भी खास पॉइंट के लिए सेम रहेगा ना यार।